हाय एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लीड कोड का प्रॉब्लम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राइम नंबर का कोड देखा था और सी व पेराइटोस्टेंस पढ़ा था, उसी से रिलेटेड होगा हमारा लीड कोड का आज का प्रॉब्लम। और उसके बाद हम लोग जो आज का मेन टॉपिक है टीएलई यानी कि टाइम लिमिट एक्सीड, ये क्या होता है इसको समझेंगे और इसको किस तरीके से अवॉइड या ओवरकम कर सकते हैं वो समझेंगे। तो चलिए चलते हैं लीड कोड। सो गाइस, आ गए हम लोग अपने लीड कोड पे। हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 204 है, काउंट प्राइम का। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वही वाला क्वेश्चन है। यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन एन। ठीक है, मतलब हम लोग एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं एन इक्वल टू 10 सपोज, तो आउटपुट हमें 4 प्रिंट करा के देना होगा। मतलब 10 से जितने भी कम प्राइम नंबर्स है यानी कि जो भी है हमारे पास 2, 3, 5 और 7, वो सबको प्रिंट करा के देना होगा। और हम लोग पिछली वीडियो में काउंट जो भी हमारा प्राइम नंबर था सबको प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पे काउंट बताना है, मतलब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 प्रिंट करा के देना होगा। एन इक्वल टू 0 अगर है तो हमें यहाँ पे 0 आउटपुट देना होगा, और एन इक्वल टू 1 के लिए भी 0 देना होगा क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये वाला इस तरीके का हमारा जो है कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। इसको देखो, लीड कोड में हम लोगों ने देखा था, सॉरी इंटेलाइजे में हम लोगों ने ये चीज देखा था। सी ऑफ पेराइटोस्टेंस नाम से हम लोगों ने क्लास बनाया था और इस क्लास में हमने दो सॉल्यूशंस देखे थे। सबसे पहले तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी हमारी ऑर्डर ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, और दूसरी हमारी ये वाली सॉल्यूशन सी ऑफ पेराइटोस्टेंस की सॉल्यूशन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन। तो ये दो सॉल्यूशन थे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो लगा के देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो देखो यहां पर जो हम लोग का है, यहाँ पे एक क्लास बनाया सॉल्यूशन नाम का और उसके अंदर फंक्शन है काउंट प्राइम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने क्या किया था। यहाँ पे बनाया था अल्टरनेट सॉल्यूशन नाम का, लेकिन इसको जो हम लोग प्राइम को कॉल कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इसको उठा के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि हम लोग लिखेंगे नहीं, जो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है उसी चीज को यहाँ पर जो है डालेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, ताकि समझ में आए, क्योंकि ये लीड कोड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है हर टाइम पे। तो ये स्टैटिक होगा, तो ये वाला हो गया हमारा ये फंक्शन, और ये जो काउंट प्राइम वाला फंक्शन है यही वाला चीज हमने बनाया था जिसका नाम रखा था अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो चीज है इसको उठा लेते हैं, ठीक है, ये वाली चीज अब इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे, लेकिन इस बार हमें प्रिंट नहीं कराना, इस बार हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो अगर जब हमारा इफ प्राइम होगा तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और काउंट प्लस प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे काउंट को। ठीक है, और यहां पर हम लोग काउंट नाम का भी एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, इंट काउंट इक्वल टू 0। बस यहाँ पे ये चीज करना है, सिर्फ काउंट हमें दिखाना है। तो ये चीज हो गया, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये जो कोड है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n इंटू रूट है ये कैसे काम कर रही है। देखो एक्सेप्टेड, ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है। हमारा जो इनपुट था ये इस तरीके से बताते हैं, केस वन में इनपुट अगर 10 डाला यूजर ने तो आउटपुट हमारा आउटपुट आ रहा है 4, और ये इंटेलाइजे को यहाँ पे क्या बता रहा है, बैटरी सेवर, चलो ठीक है, आउटपुट आ रहा है 4 और एक्सपेक्टेड भी 4 था, इसीलिए ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया। केस 2 भी हमारा 0-0 वाला भी एक्सेप्टेड हो गया, और केस 3 वाला भी जो हमारा एक्सेप्टेड हो गया। तो बढ़िया है, सब सही चल रहा है। हमारा जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था वो काम अगर कर रहा है तो ऑप्टिमल अप्रोच हमें अभी नहीं सोच रहे हैं। चलो इसको हम लोग करते हैं सबमिट, क्योंकि ये हमारा तो हो गया। रॉन्ग आंसर, एन इक्वल टू 2 पे 1 और एक्सपेक्टेड था 0। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन बताया था। देखो डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग देखें तो प्राइम नंबर डेटा स्ट्रिक्टली लेस देन एन, लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। मतलब अगर यूजर ने एन इक्वल टू 11 डाल दिया तो 11 को भी वो ले रहा है, हमें उसको एक्सक्लूड करना है, तो हम लोग यहाँ से इक्वल टू हटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सबमिट करके देखते हैं रॉन्ग आंसर आ रहा है कि नहीं। इक्वल टू का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, तो अब देखो यहां पर आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड। यहां पे रॉन्ग आंसर अब नहीं आया, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। इसका मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि जिसने भी ये कोड को फिक्स किया है लीड कोड पर, उसने एक टाइम सेट कर दी है कि आपको इसी टाइम के अंदर अपना सॉल्यूशन देना है, आप इस टाइम से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो, इसीलिए ये टाइम लिमिट एक्सीडेड का केस आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अपने इसका बस एक ही तरीका है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करो। बहुत सारी चीजें, ये मशीन ऐसा होता है, कंपाइलर ये चीज कर देता है, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीजें बोलने की हो सकती है, लेकिन सबसे जो 99% केस में जो टाइम लिमिट एक्सीड आता है वो इसी रीजन से आता है कि आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको ऑप्टिमाइज करो। ये वाला जो हमने सॉल्यूशन लिखा बढ़िया काम कर रहा है लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है, तो अब कुछ और सोचो। तो हम लोग तो जानते हैं ये वाला कोड हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, हम लोगों ने डिफरेंटली ऑलरेडी सोचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला जो सी वो पेराइटोस्टेंस है इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और उधर लिख देंगे। तो ये वाला जो कोड है ना हमारा, इसको अब हम लोग लिखते हैं। ये कहां से स्टार्ट हुआ था, ओके ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं
अब इसको यहाँ से जो जो था हम लोग इसको ये यहाँ से बोला रीसेट करने के लिए, मतलब रीसेट कर दो, तो ये रीसेट हो गया। अब फिर से हम लोग इसको लिखेंगे ताकि TL ही ना आए हमारा। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रिंट करा रहे थे, हमें प्रिंट नहीं कराना है, हमें काउंट प्लस प्लस करना है, हमें काउंट करना है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे काउंट को, ठीक है। और यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं इधर पे, जिसमें हम लोग असाइन कर देते हैं 0, सेम चीज जो अभी अभी हमने किया, असाइन कर देते हैं 0। और ये फिर से स्ट्रिक्टली वाला केस है, मतलब इक्वल टू वाला चीज को हमें नहीं लेना है, जो हमारा अगर 11 के लिए है तो उसको हम लोग हटा देंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला गया है। तो ये हमारा ठीक है, चलो पहले रन करके देख लेते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। लीड कोड पर ये हमारा कोड काउंट इक्वल टू 0 क्या, चलो रन, सेमी कॉलन नहीं लगाया था हमने, ठीक है। तो अब देखो फिर से ये एक्सेप्टेड आ गया, ठीक है, ये वाला चीज एक बार फिर से रन करते हैं। अभी देख लो ये वाला चीज जो है यहाँ पे चल रहा है एक्सेप्टेड, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। अब केस 2 और केस 3 भी एक्सेप्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, इस वाले कोड को जो हमने सी व फिर आइटोस सीन्स का कोड लिखा था। अब इसको सबमिट अगर करेंगे तो देखो ये सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा गया है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ये चीज हमारा जो है दिख रहा है कि हाँ सबमिट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि इसमें TL ही नहीं आ रहा है। देखो ये सेम चीज को जो अगर पिछली वीडियो आपने देखी है, काफी बड़ी वीडियो बन गई थी, खैर अगर पिछली वीडियो आपने देखी थी, 2 सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था, सेम चीज को पूरा डिबग करके देखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, इसीलिए हमने ये वाला ऑप्टिमाइज किया, मतलब इसमें TL ही नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा चीज है, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है। अब दूसरी चीज कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ तो हो गया ना, कोड को ऑप्टिमाइज करना है, हमने इस वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n से n इंटू लॉग ऑफ लॉग n लिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि n इंटू लॉग ऑफ लॉग n पे काम कर जाएगा। हमें तो नहीं पता, हो सकता है कि नहीं काम करे, ऑफ यहाँ पे ऐसा बोल दे कि नहीं ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाओ तभी ये काम करेगा, होता है ना, ऐसी चीजें होती है कि कैसे पता चलेगा। तो वो सारी चीजों को हम लोग को देखने के लिए, देखो यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, सबमिट तो हो गया। ये जो चीज है ना, ये कॉन्स्ट्रेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया, सब लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये एग्जांपल तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं कि किस तरीके से हो रहा है ये वाला एक्सप्लेनेशन, और ये जो कॉन्स्टेंट वाला जो पार्ट होता है वो छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर यही वाला जो TLE आया ना, उस केस में हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। अब देखो हर प्रॉब्लम के लिए अगर आप लीड कोड वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो TLE और ये सब चीजों का ध्यान तो रखना ही रखना पड़ेगा। इंटेल IGE में प्रैक्टिस करना है, बेसिक सा कोडिंग करना है, तो जरूरत नहीं है उतना करने का, लेकिन आप लोग अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो ये सारी चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट बोला है 0, एन की जो वैल्यू है, एन क्या है, इनपुट, जो इनपुट डाल रहे हैं ना यूजर n, क्योंकि यहाँ पे 10 डाला तो काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, 10 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, उसके लिए काम कर गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा यूजर का जो इनपुट रहेगा वो 0 से लेकर के 5×10^6 तक रह सकता है, तो इतने बड़े नंबर जो है यूजर इनपुट डाल सकते हैं, और वहां तक का हमें प्राइम नंबर को प्रिंट करके देना पड़ेगा। तो उस केस में, मतलब आप समझ रहे हो, 5×10^6 इतना बड़ा नंबर अगर सच में ये वाले कोड में हमने डाला है, तो उसके लिए जितने भी प्राइम नंबर्स रहेंगे सबको उससे लेस देन, सबको प्रिंट करके देने के लिए जो हमारा पहले वाला सॉल्यूशन था वो ब्रेक कर जाएगा, वो टाइम बहुत ज्यादा लेगा, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए ये वाला सॉल्यूशन जिसमें हम लोगों ने एक बूलियन एरे बनाया है और जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा हुआ है वो चीज को देखें, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया ये चीज का। अब इसको जो है हम लोग, ये जो कॉन्स्टेंट है इसको याद रखो, क्योंकि अभी हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट को देख करके किस तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, किस तरीके से देखिए पता चलेगा कि ये कॉन्स्टेंट है तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा है। तो यहाँ पे 5×10^6 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब चलो देखते हैं, तो TLE यानी कि टाइम लिमिट एक्सीडेड क्या है। टाइम लिमिट एक्सीडेड इज एन एरर मैसेज जो कि हमने देखा, इंडिकेट्स दैट कोड टुक्स टू लॉन्ग टाइम टू रन विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टेंट है, जैसे हमने भी देखा था, हमारा था 5×10^6 तक हमारा जा सकता है 0 से स्टार्ट होकर के इस रेंज में, तो इसका मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है उस हिसाब से हमारा कोड जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है रन होने के लिए। इट मीन्स एल्गोरिदम नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज टू रन मोर इफिशियंटली विद इन द गिवन टाइम लिमिट, सिंपल, ठीक है। ये वाला है बेसिक से इंट्रोडक्शन। तो देखो इसको हमारा नेक्स्ट हमें हाउ टू ओवरकम और अवॉइड TLE, किस तरीके से हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। तो सबसे, ये तो मैंने वैसे 2 स्टेप लिख दिया है, लेकिन एक सिंपल सा स्टेप अगर बोले तो यही है कि अपने कोड को ऑप्टिमाइज करो, बस और कुछ नहीं। तो इसके मैंने कुछ स्टेप्स लिखे, जैसे कि स्टेप 1 में एनालाइज करना है हमारे कंस्ट्रेंट को, ठीक है, ऑप्टिमाइज करने से पहले।
कॉन्स्टेंट हमारे कितने हैं, 10 to the power जैसे हमने अभी देखा 6 है, तो वो हमने एनालाइज कर लिया। और दूसरा है फॉलो 10 to the power 8 रूल, ये रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो ये दो चीजें हम जिसको हम लोग फॉलो करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते, तो मतलब ये दोनों चीज दो स्टेप्स है, इससे हम लोग अपने कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये हमने बिगो पढ़ाया। इसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ हमें पता है कि जो इनपुट साइज होता है, ये बस मैं बेसिकली ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, बस मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि जो इनपुट साइज होता है इस तरीके से, और ये क्या होता है रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो एफ ऑफ एन होता है वो लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन होता है, और हम लोग क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एन जो है हमारा अपर बाउंड है, ठीक है। तो ये जो है देखो, ये हमारा इस तरीके से जा रहा है, मतलब एक सम इन नॉट पर, इन नॉट के नीचे जो भी हमारा इनपुट रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमारा ये जो दो फंक्शन होगा ना वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट सम इन नॉट पे जो है ये इसका अपर बाउंड होगा, ये वाला इसका अपर बाउंड होगा, एफ ऑफ एन जो है सी इंटू जी ऑफ एन जो है अपर बाउंड होगा एफ ऑफ एन के। तो क्या बस यही एक अपर बाउंड है? यहाँ पे सोचने वाली बात है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर, जैसे कि ये जो एफ ऑफ एन है ये वाला है इसका अपर बाउंड, इसके ऊपर से जितने भी लाइन जाएंगे सब तो एफ ऑफ एन के जो है अपर बाउंड होगी, क्योंकि अगर हम लोग कह रहे एफ ऑफ एन लेस देन जी एन, ठीक है। अब मान लो ये लेस देन जी एन है, तो इसके ऊपर से अगर कोई जी वन एन अगर ऐसा कोई लाइन जा रहा है, तो क्या एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू लगा दो जी वन एन नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। इसके ऊपर से कुछ और एच एन जा रहा है अगर कोई लाइन इसके ऊपर से, तो भी एफ ऑफ एन जो है लेस देन एच ऑफ एन होगा, ठीक है। ये चीज होगा, मतलब सभी बिगो होगा, लेकिन हम लोग सारे इसके ऊपर जितने भी लाइन है वो सब कंसीडर नहीं करते, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं जो स्ट्रिक्टली लेस देन है, इसीलिए तो बिगो का जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो उसका अपर बाउंड है। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर हमने कोड लिखा है तो उससे जितना अच्छा से अच्छा, मतलब अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ वन में लिया है तो बढ़िया है, ऑर्डर ऑफ हम लोग सब लॉग इन में लिया है बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज अच्छा है, तो जितने भी उससे कम है तो सभी बढ़िया है, लेकिन एक ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते वो हमें चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, मतलब हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाना चाहते हैं जिस जो हमारा एकदम स्ट्रिक्टली हो, मतलब अगर हम लोग उससे और ज्यादा इधर उधर गए तो हमारा टीएलई आ जाएगा, तो वो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए, उसके लिए है हमारा फॉलो 10 to the power 8 रूल, ठीक है। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा बस इतना समझो कि 10 to the power 8 रूल को फॉलो करना है और हमें काम करना है, ठीक है। देखो तो 10 to the power 8 रूल ये है कि फॉलोइंग आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द गिवन इनपुट कॉन्स्टेंट। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है वो उनको अब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये इनपुट साइज है, जैसे हमने देखा था अभी अपने कोड में 5 × 10 to the power 6 था, तो ये है, ठीक है। 10 to the power 8 रूल क्या कहता है, ये वाला रूल कि देखो जहां पे 10 to the power 8 अगर इनपुट साइज है तो उसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन होगा, ये याद रखना है। इनपुट साइज 10 to the power 8 के लिए वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, और इसी तरीके से ये वाला चार्ट को जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इनपुट साइज 10 to the power 18 है, मतलब बहुत ज्यादा इनपुट है, तो फिर हमको अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन में या फिर ऑर्डर ऑफ लॉग इन में लाना पड़ेगा। अगर इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ एन ले आए, हमारा इनपुट साइज ये है और हम लोग ये ले आए, तो फिर टी ए लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 to the power 8 है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में ला सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ वन और ऑर्डर ऑफ लॉग इन में भी ला सकते हैं। यही चीज मैंने अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि उससे जो हमारा ज्यादा रहेगा वो हमारा काम करेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली होना चाहिए वो चीजें। तो यहाँ पे भी देखो ऑर्डर ऑफ एन हमारा चलेगा, ऑर्डर ऑफ वन भी चलेगा, अच्छा है ना। ऑर्डर ऑफ मतलब और ज्यादा अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो चलेगा, ये भी चलेगा, इससे ऊपर वाला सब चलेगा, लेकिन अगर इससे नीचे गया तो हमारा टीएलई आ जाएगा। इसी तरीके से 10 to the power 6 के लिए ये चीजें, इतने में हमारा काम होना चाहिए। और कुछ और नंबर्स है, ये सारे लेस देन इक्वल टू, मतलब एन ऐसे कर सकते हो, n less than equal to, इस तरीके से, ठीक है, समझो। तो अगर हमारा सिर्फ इनपुट साइज सिर्फ 10 और 11 रहेगा तो हम लोग ऑर्डर ऑफ n का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। n का फैक्टोरियल मतलब बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन यहाँ पे इनपुट साइज भी तो देखो 10 है, सिर्फ 10, तो उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर ऑफ एन का फैक्टोरियल या फिर 10 to the power 6 में ला सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं 10 to the power 8 ऑपरेशन रूल, मतलब 10 to the power 8 हमारा जो आजकल की मॉडर्न मशीन है उस हिसाब से काम करती है, 10 to the power 8 ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से। तो इसीलिए 10 to the power 8 अगर इनपुट साइज है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली ऑर्डर ऑफ एन होगा, और ये सारी चीजों को याद रखना है। तो अभी हमने देखा हमारा कॉन्स्टेंट था 0 less than n less than 5 × 10 to the power 6, तो ये 10 to the power 6 का केस था। 10 to the power 6 के केस में हमें यहाँ
पे ये वाला कॉम्प्लेक्सिटी लाना होगा, ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग एन, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सी ऑफ डेटोस्टेंस का था वो था ऑर्डर ऑफ लॉग एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन, लॉग ऑफ लॉग इन था, तो ये इसी के आसपास आ रहा था क्योंकि पूरा 10 टू द पावर 6 भी नहीं था, 5 इंटू था, ठीक है, तो इसी के आसपास आ रहा था। हम लोग इसका जो हमने ग्रोथ ऑफ फंक्शन पढ़ा था ना, मतलब हर एक फंक्शन का जो क्लास होता है, कोई रूट फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, कोई लॉग फंक्शन होता है, कोई फैक्टोरियल फंक्शन होता है, कोई पावर फंक्शन होता है, तो एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन भी तो नहीं जा रहा है ना, एटलीस्ट हम लोग हमारा एन इंटू लॉग ऑफ लॉग इन था, इसी वाली चीज में हमारा आना चाहिए, लेकिन हम लोग जब पहले ब्रूट फोर्स देखे थे तो उसमें था एन इंटू रूट एन, तो ये चीज तो हमारा टीएलई मार रहा था, लेकिन ये वाला चीज हमारा काम कर रहा था। इस तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन रूल को फॉलो कर सकते हैं, मेन हम फॉलो करके हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोड को, और कांस्टेंट को भी हमें ध्यान में रखना होगा। कोई सिंपल सा कोड है तो और आपको लग रहा है कि हाँ काफी ऑप्टिमाइज तरीका है, काफी ऑप्टिमाइज तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, तो फिर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हम लोग इंटेंशनली नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा कोड लिख रहे होते हैं कि वो टीएलई नहीं आ रहा होता है, लेकिन सेम कोड को हम लोग फिर दोबारा किसी, मतलब जैसे सेमेस्टर खत्म होने के बाद अगर सेम कोड को फिर से हम अगर लिखने जाए तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंटली सोच ले होते हैं तो वो टीएलई मार दे रहा होता है। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती रहती, ये सारी चीजों को बस क्या है, थोड़ा अगर आपका टीएलई आ रहा है तो इट्स गुड, मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और उसको कोड को ऑप्टिमाइज करो और अपना जो है टीएलई को अवॉइड करने की कोशिश करो, और ये सारी चीजों को जो है जो मैंने बताया वो सारी चीजों को याद रखना है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ये कोर्स को डिजाइन करने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।